अयोध्या से, जहां पर आपको बता दें कि नरसिंह मंदिर के महंत इस वक्त लापता हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, राम शरण दास लापता हुए हैं। नरसिंह मंदिर के महंत है राम शरण दास, मंदिर में बमबाजी की घटना की जांच होते ही लापता हुए हैं महंत। मंदिर में पुजारी को भयभीत करने को लेकर के हमला हुआ था, करीब एक हफ्ते से लापता महंत का मोबाइल भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। वारदात के बाद मंदिर में पुलिस का पहरा भी लगा हुआ था। महंत राम शरण दास ने मंदिर के पुजारी से जान का खतरा बताया था। पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बावजूद महंत आखिर कहां लापता हो गए, ये सवाल लगातार उठ रहा है। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उच्च अधिकारियों को इसकी कोई सूचना ही नहीं दी कि महंत पिछले एक हफ्ते से लापता है, जिसके बाद में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल उठने लाजमी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अयोध्या में जो नरसिंह मंदिर है उसके महंत राम शरण दास पिछले एक हफ्ते से लापता है। मंदिर में बमबाजी की घटना की जांच होते ही राम शरण दास इस वक्त लापता हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। हालांकि पुलिसकर्मी भी वहां पर लगातार मौजूद थे, क्योंकि वारदात के बाद में मंदिर में पुलिस का पहरा लगा दिया गया था, उसके बावजूद भी महंत लापता हुए। महंत राम शरण दास ने मंदिर के पुजारी से अपनी जान को खतरा बताया था, और जिसके बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी अगर वहां थी, पुलिस का पहरा वहां था, आखिर उसके बावजूद महंत कैसे लापता हुए, ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल उठने लाजमी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर नरसिंह मंदिर के महंत राम शरण दास पिछले एक हफ्ते से लापता बताए जा रहे हैं। एक हफ्ते से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। हालांकि इससे पहले राम शरण दास ने मंदिर के पुजारी से अपनी जान को खतरा भी बताया था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, पुलिस कर्मियों का पहरा था, उसके बावजूद भी महंत लापता है। निश्चित तौर पर कृतिका, एक बड़े ही चौंकाने वाले तमाम सारे सवाल हैं जो आज अयोध्या की गलियों से लगातार उठना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां राम शरण दास ने गुहार लगाई थी कि उनके पुजारी उनकी हत्या कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ पुजारी ने अयोध्या के एक बड़े गिरोह का नाम दिया था, बड़े गैंग का नाम दिया था, कि उस गैंग द्वारा खुद पुजारी के ऊपर हमला किया गया है, बमबाजी की गई, और उस बमबाजी में न कि सिर्फ बड़ी घटना हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था, दो लोगों को जेल भेजा गया था, और उसके बाद भी छह लोगों को पुलिस खोजने में नाकाम हुई थी, पार्टियां डाली गई थी, और कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का सीधा नेटवर्क एक बड़े मंदिर पर कब्जेदारी करने वाले एक रैकेट से था, जो अयोध्या की बेशकीमती जमीनों पर कब्जेदारी करते हैं, कब्जा करते हैं, मानसों को बड़ा लालच देते हैं कि उन्हें पैसे दिया जाएगा, बड़ा दक्षिणा दिया जाएगा, और बाहर भंडारा आदि के नाम पर ले जाया जाता है, और उसके बाद मंदिर पर कब्जेदारी की जाती है। क्योंकि करीब 15 साल से पुजारी उसी मंदिर में रह रहे थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन कुछ ही दिन पूर्व यानी बमबाजी की घटना से कुछ दिन पहले ही एक बड़ा गैंग यहाँ पर आया। इससे ठीक पहले गैंग के सरगना देवराम दास वेदांती ने महंत नृत्यगोपाल दास के ऊपर बम से हमला किया था, जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनके तमाम ऐसे साथी हैं जिनका सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपराध के कारनामों में उनका नाम आया हुआ था। आईबी की रिपोर्ट यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सचेत किया था कि मंदिर पर कब्जेदारी करने को लेकर के बड़ी घटना हो सकती है। इसके बाद भी अयोध्या पुलिस न चेती रायगंज पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर एक घर के अंदर बड़ी साजिश रची गई। अपराधियों ने डेरा डाल रखा, ठोस दावे के साथ जब बातें सामने आई तो पुलिस ने पीआई डाल दी, और आखिरकार अपराधियों को न तो गिरफ्तार किया और न ही उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई, और शायद उसी का परिणाम कहीं ना कहीं आज यह देखने को मिल रहा है कि मंदिर से महंत लापता हो गया है। खुद जो पुलिस प्रशासन है उसने जो है एक जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने थाने में दर्ज की है, पोस्टर जारी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी तमाम सारे सवाल ऐसे उठे हुए हैं जिनका ना तो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जवाब दे पा रहे हैं, और ना ही अभी अयोध्या में कहीं ना कहीं जो संतों की एक बड़ी यहाँ पर जो है टीम हुआ करती थी, उनके ऊपर किस तरह से जान मुसीबत में पड़ी हुई है। क्या वाकई जो इस तरीके के सातिर बदमाश हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं, या फिर वाकई अभी महंत जो है किसी भ्रमण पर निकले हुए हैं, कहीं चेला लोगों के पास पहुंचे हुए हैं या संगम स्नान करने के लिए पहुंचे हुए, तमाम सारे सवाल अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। किसका
राघवेंद्र, जिस पुजारी से जान का खतरा महंत ने बताया था, क्या उस पुजारी से कोई पूछताछ अभी तक हुई है? निश्चित तौर पे वो पुजारी उस यानी 10 तारीख के बाद से लगातार उस मंदिर में ही है, और सबसे खास की हुआ खुद पुलिस की पहरेदारी में है, सीसीटीवी फुटेज में है। लेकिन देखिए, बात दो तरफ से है कृतिका। एक तरफ महंत ने पुजारी के ऊपर आरोप लगाए थे, पुजारी का यह दावा था कि मैं 15 साल से इसी मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई शिकायत थी तो आखिर 15 साल से महंत ने क्यों नहीं निकाला, एक सवाल। दूसरा कि अगर पुजारी को कोई घटना करनी ही थी तो 15 साल में एक तरफ कर सकता था, वही सिर्फ उसी समय क्यों बात आई जब अपराधियों का एक बड़ा गैंग उस मंदिर के अंदर पहुंचा। मंदिर में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, महंत को जो है रुपए देते हुए एक साधु वेशधारी हिस्ट्री सीटर का फोटो सामने आ रहा है, जिसके बारे में खुद बिहार के डीजीपी ने लिखा था कि यदि उत्तर प्रदेश में खासकर यूपी पुलिस को अगर इस देवराम दास वेदांती नामक हिस्ट्री चीटर के बारे में जानकारी मिलती है तो वो बिहार पुलिस को सचेत करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने रिपोर्ट किया, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अपडेट किया, एसआईओ यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भी जो है अपडेट किया हुआ था कि इस तरीके का अपराधियों का एक जखीरा अयोध्या में है, जो अयोध्या के बड़े मठ मंदिरों में जिनपे करोड़ों की भूमि है, उन करोड़ों की जमीनों पर इनकी निगाह है, बमबाजी की घटनाएं या कई जनपदों में कर चुके हैं। महंत को बहला फुसला कर अपने पक्ष में जमीन लिखा सकते हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि अयोध्या के तमाम सारे पूज्य संतों ने इसका विरोध किया था और आखिरकार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था उस बमबाजी की घटना के, लेकिन बावजूद बमबाजी की घटना के बाद अभी ना तो गिरफ्तारी उन लोगों की हुई थी और ना ही इस पुजारी के बारे में ही लोगों ने पूरी पड़ताल की थी। और दुर्भाग्यवश कि ना तो पुजारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, और आखिरकार महंत कहीं ना कहीं आज गुम हो गए हैं, आज लापता हो गए हैं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है और पुलिस का जो खुफिया तंत्र कहें या सर्विलांस सिस्टम हुआ कहीं ना कहीं फेल नजर आता दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि पूरे 8 दिन हो चुके हैं महंत की गतिविधि के बारे में वह आज किस तरह से है, सुरक्षित है भी या नहीं, इन तमाम सारे सवालों का जवाब अभी फिलहाल कोई भी दे पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राखी।